कहीं आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी से जांचने के लिए भेजी गई कॉपियां बीच रास्ते में ही गायब हो जाएं? भरोसा तो आपको नहीं होगा, मगर ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में ये कारनामा हुआ है। सैकड़ों छात्रों की कॉपियां बीच रास्ते में ही लापता हो गईं। अब विश्वविद्यालय प्रशासन सभी छात्रों को औसत मार्क देने की बात कर रहा है, मगर छात्र संगठन इसे बड़ा घोटाला कहकर जाँच की मांग कर रहे हैं। देखिए विश्वविद्यालय के गड़बड़ झाले की ये रिपोर्ट। छात्रों के भविष्य से फिर खिलवाड़, स्पीड पोस्ट ने निकली सैकड़ों कॉपियां, मानवीय भूल या कोई नया घोटाला? कहने को मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी AA+ ग्रेड की यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसकी चर्चा कुछ और ही कारनामों के लिए हो रही है। इस बार एक नया सत्र शुरू होने से पहले एक बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ BCom और BSc ऑनर्स सेमेस्टर का रिजल्ट ही नहीं आया है, क्योंकि इनकी कॉपी पोस्ट कर चेकिंग के लिए भेजी थी, लेकिन वो रास्ते में ही गायब हो गई। हैरानी की बात तो देखिए कि विश्वविद्यालय इसे महज मानवीय भूल बता रहा है और छात्रों को एवरेज मार्क्स देने की बात कर रहा है, जबकि छात्र इसे बड़ा घोटाला बताते हुए CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन के मुताबिक BCom ऑनर्स और BSc ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा जनवरी में आयोजित की गई थी, जिसके बाद कॉपियों की जांच होनी थी। अलग अलग विषय की कॉपियां अलग अलग टीचर्स के पास भेजी गईं। इसी क्रम में BCom ऑनर्स थर्ड सेमेस्टर की 50 और BSc ऑनर्स की 18 कॉपियों के 2 बंडल स्पीड पोस्ट के जरिए भिंड भेजे गए, लेकिन यह कॉपियां कभी भिंड पहुंची ही नहीं। इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी प्रबंधन से की गई, जिसके बाद अब मैनेजमेंट मामले को छुपाने में लगा हुआ है। चोरी तो नहीं हुई है कि हमने उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट से हमने उसको भिंड कॉलेज के लिए मूल्यांकन के लिए BCom और BSc ऑनर्स की कॉपियां भेजी थी, जो कि भिंड कॉलेज को प्राप्त नहीं हुई है। हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 68 कॉपियां, 50 BCom की थी और 18 BSc की थी, हमने मूल्यांकन के लिए स्पीड पोस्ट से भिंड भेजी, जो उनको प्राप्त नहीं हुई है। बीच में कई कॉपियाँ मिसप्लेस हो गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी जीवाजी यूनिवर्सिटी की कॉपियाँ जाँचने के दौरान गायब हुई हैं और इस बार छात्र इसे बड़ा घपला बता रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय से बच्चों की कॉपियां गायब हुई हैं। इस बार हम भी इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हमारे से भी मतलब हमारी भी कॉपियां गायब हुई हैं। अब एक कॉपियां गायब हुई हैं तो इसका मतलब इनका एक रूटीन है कि या तो ये इनके पैसों के लिए मतलब कॉपियाँ गायब हो जाती हैं, और फिर उनका ये रूटीन है कि जो कॉपियाँ गायब होती हैं, जिन बच्चों की कॉपियाँ गायब होती हैं, उनको ये एवरेज मार्क्स देकर पास कर देते हैं। बच्चों से पैसे लेने के लिए कर देते हैं, जानबूझ के कॉपियों को खो देते हैं। बच्चों का व्यवस्था खत्म ही है, पैसों के लिए करते हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय बहुत भ्रष्ट विश्वविद्यालय, बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं इसमें, इसकी अच्छे तरीके से जाँच होना चाहिए। ये बहुत गंदी यूनिवर्सिटी है। NSUI के उपाध्यक्ष वंश महेश्वरी का कहना है कि CBI जाँच होनी चाहिए, और तो और ये भी पता लगाया जाना चाहिए कि जब ग्वालियर में विद्वान प्रोफेसर और शिक्षक हैं, तो कॉपियां बाहर आखिर क्यों भेजी जा रही हैं? क्या ग्वालियर में या जो ग्वालियर के आसपास जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, क्या वहाँ योग्य शिक्षक नहीं है, सो आप कॉपी जचवाने के लिए बाहर बेच रहे हो? आप बाहर ठेकों पे कॉपी बेच रहे हो, अपने खुद आर्थिक लाभ लेकर, जो रजिस्ट्रार या BC किसी पे, मैं मतलब प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगाऊंगा, पर कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेकर बाहर ठेकों पे कॉपियाँ जचवाने के लिए भेजी जा रही है भारी संख्या में। जीवाजी विश्वविद्यालय के अंडर में कई लीड कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस हैं। आप इतने योग्य शिक्षक हैं, क्या आप इन शिक्षकों को योग्य नहीं मानते? अब तक आप इन छात्रों की बात सुनकर समझ चुके होंगे कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब यूनिवर्सिटी पर कोई गंभीर आरोप लगा हो। इससे पहले कई बार रिश्वतखोरी और लापरवाही के मामले सामने आ चुके हैं, इसके बावजूद भी जीवाजी विश्वविद्यालय प्रबंधन सुधरने का नाम नहीं ले रहा। जीवाजी विश्वविद्यालय अब इसे मानवीय भूल मान रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ग्वालियर में अगर शिक्षक इन कॉपियों को जांचने के लिए बैठे हैं, तो इन कॉपियों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है? इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं यहां पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। विश्वविद्यालय जैसे जिम्मेदार संगठन से ऐसी लापरवाहियों की उम्मीद नहीं की जाती, मगर पिछले कुछ समय से जीवाजी यूनिवर्सिटी ऐसे ही अप्रिय कारणों से लगातार चर्चा में आ रही है। उम्मीद है मध्य प्रदेश की सरकार सख्ती कर यूनिवर्सिटी प्रशासन को सुधारेगी।